हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो चुका है 2023-2024 के लिए। तो यहाँ पे मैं सारी जानकारी को आप लोगों को बताता हूँ कि कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं और कब होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे जो है टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2023-2024 ये है। देखते हैं, सबसे पहले नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, यहाँ पे टायर है, फिर उसके बाद डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, क्लोजिंग डेट है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो देखिए, यहाँ पर आप लोग कांस्टेबल जीडी जो एग्ज़ाम होना है 2022 वाला, उसका जो है क्लोजिंग डेट हो चुका है। उसका एग्ज़ाम होगा जनवरी फरवरी 2023 में, यानी कि नेक्स्ट जनवरी या तो फिर फरवरी में इसका एग्ज़ाम होना है। तो जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरे हैं वे लोग इसका तैयारी करते रहें, उसका एग्ज़ाम होगा ही। उसके बाद CHSL 2022 का जो एग्ज़ाम है वो टायर वन का एग्ज़ाम होगा, और उसका भी जो एग्ज़ाम होगा वो तो मार्च 2023 में होगा, लेकिन उसके लिए जो है क्लोजिंग डेट होगा फॉर्म फिलअप का वो है 5 जनवरी 2023 को, और इसका जो है एडवर्टाइजमेंट हो गया था आपका 6 दिसंबर को ही हो गया था। तो ये जो है CHSL एग्जामिनेशन 2022 वाला है, जिसका एग्ज़ाम होगा मार्च 2023 में। तो आप लोगों को मतलब तैयारी करते रहना है यहाँ पर। इसके अलावा मैं MTS 2022 का जो एग्ज़ाम है वो अभी आपका अप्रैल 2023 में होगा, और इसका जो है फॉर्म फिलअप आएगा आपका 17 जनवरी से। तो ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट डेट है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो MTS का एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, वे लोगों का जो है एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा आपका 17 जनवरी को, और उसका जो एग्ज़ाम होगा हुआ है अप्रैल 2023 को। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फेज़ 11 2023 वाला जो होगा सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़ 11 का होगा, एग्ज़ाम आपका मई जून में होगा और इसका भी फॉर्म फिलअप फरवरी में आ जाएगा। और उसके बाद है CGL, यानी कि CGL जो एग्ज़ाम होगा 2023 वाला, उसका एग्ज़ाम होगा जून जुलाई में। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। तो CGL की जो तैयारी कर रहे हैं 2023 वाला, उनका जो है एग्ज़ाम होगा जून जुलाई में, उसका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों का 1 अप्रैल 2023 में, सैटरडे है। तो ये है उसका जो है टायर वन एग्ज़ाम होगा, ये आप लोगों के लिए ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर CHSL 2023 का एग्ज़ाम होगा आपका जुलाई अगस्त में, और इसका जो है एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा आपका 9 मई 2023 को आएगा। तो ये जितने भी एग्जामिनेशन है वे लोग बैक टू बैक आते ही रहेंगे, तो आप लोगों को सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे MTS 2023 वाला है, फिर यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का जो है 2023 वाला, CPO का एग्ज़ाम ये भी है आप लोगों का। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल सर्वेइंग 2023 वाला जो एग्ज़ाम होगा वो देखिए आपका अक्टूबर 2023 में होगा, ये है। तो जितने भी जो हैं कैंडिडेट्स जो JEE के लिए पोस्ट भरेंगे वे भी तैयार रहेंगे। इसके अलावा मैं आप लोग देखें यहाँ पे स्टेनोग्राफर CND 2023 का है, उसका भी एग्ज़ाम आपका अक्टूबर नवंबर में होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो भी अक्टूबर नवंबर में होने का है, यहाँ पे नेटिव बताया गया है। उसका जो है वह अगस्त 2022 में इसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो आ जाएगा यहाँ पर। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पेज में यहाँ पर भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2014 वाला का है, देखिए 14 से 17 वाला, उसका एग्ज़ाम होगा आपका दिसंबर 2023-24 में होगा। तो ये है। इसके बाद यहाँ पर SSAUDC ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2018-19 का है, उसका एग्ज़ाम होगा भी दिसंबर 2023-24 में। ये भी है जो फॉर्म भर चुके होंगे उनके लिए ये एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, तो ये डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का दिया गया 2018-19 का, इसका जनवरी फरवरी 2024 में चल जाएगा, ये है अगले साल में चल जाएगा, यानी कि 2023 के बाद 2024 में चल जाएगा। देखिए तो जो फॉर्म भर रहे हैं वो लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में है यहाँ पर आपका JSALDC डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है, उसके बाद यहाँ पर भी देखिए सेंट्रल सेक्रेटरीट का डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन वाला है। तो ये सब जो है वो 2024 वाले साल में चल जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर तो जितने भी हैं ये सब सारे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन वाले हैं, तो इनका भी एग्ज़ाम जो होगा वो 2024 में ही चल जाएगा, जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक यहाँ पे डेट दिया गया है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ डिसाइडेड द रिक्वायरमेंट ऑफ MTS इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 विल बी कंडक्टेड बाई दिल्ली पुलिस। तो ये जो दिया गया है वो दिल्ली पुलिस की ओर से ये सब के सारे एग्जामिनेशन होंगे, ये बताया गया है SSC की ओर से। तो फाइनली यहाँ पे कहा जाए तो
जो यहाँ पे कैलेंडर जारी कर दिया गया है उसके हिसाब से आप लोगों को तैयारी करते रहना है। और जो मतलब 2022 में फॉर्म फिलअप हुआ था उसका भी एग्जाम अब जनवरी फरवरी से स्टार्ट हो ही जाएंगे, तो आप लोगों का बैक टू बैक एग्जाम होगा ही, फॉर्म आते ही रहेगा SSC में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। तो यही टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2023-24 के लिए नोटिस था।